जी क्या कुछ फील किया आपने, क्या फीलिंग थी आपकी? विवेक जी से मेरी मतलब भाईचारा दोस्त जैसा संबंध रहा हमेशा, और मुझे पहले से ही मालूम है कि ये खुद बहुत गुणी हैं, मतलब एज ए सिंगर एज ए कंपोज़र ही इज़ फंटास्टिक। और रवि जी के बारे में कहना, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूं सब तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा तारीफ़ इसलिए करूंगा कि एक सिंगर को अगर एक खूबसूरत कविता गाने को मिले, एक खूबसूरत थॉट्स गाने में हो, और ग्रामेटिकली से लेके हर वर्ड्स हर चीज़ इतना खूबसूरत हो, तो वो मैंने रवि जी में पाया। और सबसे खूबसूरत बात इसमें ये है कि टाइटल बहुत अच्छा है, मूनलाइट विस्पर, और बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं हमारे, गाने लिखे हैं रवि साहब ने, और उतना ही खूबसूरत संगीत से इन्होंने सजाया है। और जब इन्होंने मुझे सुनाया, जब इन्होंने मुझे गाने सुनाए, तो मैं इनको कहा, पहले तो मैं एक महीना लिया मैं बोला यार कर लेंगे, हो जाएगा, सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन जब इन्होंने गाना सुनाया तो मैं खुद इनको फ़ोन करने लगा कि कभी रिकॉर्डिंग करोगे आप, जल्दी करो। ये इनका बड़प्पन। नहीं नहीं, ये सच है। और एक से एक कंपोजिशन इन्होंने सुनाया और सुन के मज़ा आ गया। तो तीनों गाने मुझे लगता है कि रेखा भरद्वाज जी हैं और जावेद जी हैं, महालक्ष्मी अय्यर हैं, और इतने गुणी लोग हैं, तो मुझे भी मौका मिला और मैंने भी कोशिश किया है कि लोगों को पसंद आए। तो टाइम्स म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एल्बम मूनलाइट विस्पर